इन्हें जा पीछे अभी ग्रुप है ना या चित्रपटासाठी आणि टायटल सॉन्ग गाण्याची संधी मला सगळ्यांनी दिली. सगळ्यांनी म्हणजे राईट फ्रॉम डिरेक्टर टू म्युझिक डायरेक्टर, म्युझिक अप्रतिम दर्शनभाईंनी खूप मेहनत घेतली त्याच्यावर. एव्हरीबडी म्हणजे मी सगळ्यांचं नाव न घेता सांगते, खूप खूप आनंद होता. आणि हा चित्रपट इथपर्यंत आला आणि माझं गाणं त्यात आहे याचा मला खूपच आनंद आहे. थँक्यू व्हेरी मच. आता हे गाणं तुम्ही अगोदर ऐकले पण, तर अशा प्रकारची ही सर्व लोकांची मिळून टीम तयार झालेली आहे आणि अतिशय उत्कृष्ट प्रकारचा हा सिनेमा बनलेला आहे. सर्वांनी अवश्य बघा. मी सर्वांना आमच्या टीमच्या वतीने विनंती करतो की हा सिनेमा एक वेळ जरूर बघा. आणि यानंतर मी बोलवतोय झी टीमचे सारे भाइयों को नमस्कार. और आप सबने सभी निकाला और आए, बहुत अच्छा लगा. असलम जो हमारे दूसरे अनिल परत जी के बहुत अच्छे मित्र की आज देहांत हो गया तो वो नहीं आ पाए. असलम से एक रास्ते में है तो हमने सोचा कि उनको बता दें कि काफ़ी टाइम लग रहा है तो वो भी आर जस्ट गोइंग एंड विद द प्रोग्राम. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू FTS टीम. एंड वी प्रेव टू द गॉड दैट द फिल्म विल डेफिनेटली डू इट. आणि माझी ही फिल्म फक्त तुझ्यासाठी टायटल ही खूप अट्रॅक्टिव्ह आहे आणि प्रेक्षकांना खूप आवडेल हे पण माझी इच्छा आहे. मी नक्की आहो की तुम्हाला सर्वांना माझी फिल्म आवडेल. आणि मी मराठीमध्ये बोलतो, मराठी माझी चुकाची आहे तर काय कुठेतरी माझी चूक झाली तर मला माफ आहे. मेरी ये फिल्म फक्त तुझ्यासाठी बहुत अच्छा टाइटल है, बहुत अच्छी लव स्टोरी, ट्रायंगल लव स्टोरी और साथ में एक्शन फिल्म है. मराठी में आई थिंक ये ऐसी पहली फिल्म है जो आप लोगों को बहुत अलग और कुछ नहीं मिलेगी. डायरेक्टर्स, एक्टर्स सब लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया है, बहुत मेहनत की है. आइटम नंबर किया है अंकिता तरे ने, मिस महाराष्ट्र. सो प्लीज़ आप सबसे मेरी विनती है कि आप लोग ये फिल्म देखने जाएँ. और इस फिल्म के फीडबैक के लिए फक्त तुझ्यासाठी का एक पेज है जिसपे हम आपके फीडबैक, मैं स्पेशली आप लोगों के फीडबैक का अवेट करूँगा कि मेरा काम या मुझे और क्या करना चाहिए आगे में. मेरी गलतियाँ, तारीफ मुझे नहीं सुननी है, थैंक यू सो मच, बट हाँ मेरी गलतियाँ मुझे जाननी है. तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फक्त तुझ्यासाठी के पेज पर आके अपने अपने कमेंट्स मुझे दें. ये फिल्म 2 तारीख को आपके नज़दीकी थिएटर में रिलीज़ हो रही है तो देखना ना भूलें फक्त तुझ्यासाठी. एंड थैंक यू सो मच. किरदार की अगर बात करूँ आपके, कितना पावरफुल किरदार रहेगा आपका? किरदार बहुत पावरफुल है एक्चुअली. जैसे देखा जाए तो इस मूवी में मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हर जगह जगह है कि मेरी मॉम डैड ने मेरी ज़बरदस्ती कहीं शादी करा दी. अब वो मेरे मॉम डैड की गलती है या मेरी गलती है या जिसने मुझसे शादी किया उसकी गलती है, ये तो आप लोगों को फिल्म देखने के बाद पता चलेगा. बट हाँ, कैरेक्टर बहुत अच्छा है. रोल जो मैंने प्ले किया है, मेरा नाम आदित्य ठाकुर है इस फिल्म में, बहुत ज़्यादा पावरफुल और अग्रेसिव एक इंसान है जो किसी की सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी मर्जी की करता है, जो उसे अच्छा लगता है सिर्फ वही उसके लिए अच्छा है. बाकी एक्शन है, स्टंट्स किए हैं और बाकी आपको देखने के बाद पता चलेगा. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर USP पॉइंट पूछा जाए फिल्म का तो क्या होगा? स्क्रिप्ट, सॉन्ग्स, एक्टिंग? एक ट्रायंगल लव स्टोरी है. ट्रायंगल लव स्टोरी कुछ नया है और साथ में एक्शन. एक पंजाबी लड़का आके मराठी फिल्म में मराठी फिल्म कर रहा है और एक्शन है मराठी में, क्योंकि जनक भाई पटेल
प्यारेलाल जी, जगन्नाथ जी ने मौका दिया मुझे इस मराठी फिल्म में काम करने का, और कोशिश की मैंने अच्छा काम करने की, बिकॉज मेरे लिए तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि एवरी फिल्म इज डेब्यू फिल्म फॉर मी, क्योंकि एक्टर कभी कंप्लीट नहीं होता, जब तक हमेशा बर्तन मांझ मांझ के साफ होता है उसी तरह एक्टर भी काम करता रहे और अच्छा एक्टर बनता रहता है। तो मेरे लिए फर्स्ट फिल्म समझ लीजिए डेब्यू फिल्म है, और बहुत सारी उम्मीदें हैं और फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी और सभी कुछ इसके अंदर एंटरटेनमेंट, लव, रोमांस, एक्शन एंड ऑफ कोर्स नो वायलेंस, ओनली प्यार मोहब्बत। म्यूजिक रिलीज हुआ, क्या कहना चाहोगे म्यूजिक के बारे में? म्यूजिक रिलीज हुए, बहुत खुशी है कि जी म्यूजिक ने रिलीज किया, थैंक यू सो मच जी म्यूजिक और सारी टीम जो रिलीज कर रहे हैं, और खुशी की बात है कि 2 सितंबर को रिलीज हो रही है। आप सबसे गुजारिश है सारी ऑडियंस से कि फिल्म जरूर देखें, बिकॉज इस फिल्म में सब कुछ है, आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि फिल्म में सिर्फ एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। म्यूजिक के ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे आप फिल्म रिलीज पर? हाँ, म्यूजिक ऑडियंस डेफिनेटली आप लोग ने म्यूजिक सुने हैं और मेरे ख्याल से म्यूजिक बहुत अच्छा बना हुआ है और आप लोग को भी समझो। सर आज म्यूजिक लॉन्च हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक के बारे में? काफ़ी अच्छा अच्छा है म्यूजिक, बहुत अच्छा लगा कि आज आप सब लोगों का सामने देख के और हमने आप सब लोगों के सामने म्यूजिक लॉन्च किया, हमें बहुत खुशी हुई और हमारी एक कोशिश थी एक अच्छी फिल्म बनाने की, हमने ये फिल्म बनाई है, तो ये हमारी पूरी टीम ने उसमें दिन रात मेहनत की है, बहुत ही खुशी है। और ये फिल्म संस्कार के लिए है, माँ बाप का बच्चों के ऊपर में क्या संस्कार है और बच्चे लोगों में कैसे आगे अपनी लाइफ जीनी चाहिए अपनी, उसके बारे में है। तो आप प्लीज़ कोशिश करो ये फिल्म देख के और हमारा और उत्साह बढ़ाओ, कैसी हमारी विनती है आप सब लोगों को। थैंक यू सर। आज हम देखते हैं, सारे परिवार बैठ के देख सकते हैं इस तरह का भी प्रोमो और सॉन्ग में भी देखा गया है। कितना हार्डवर्क करना पड़ा इस फिल्म के लिए? स्टोरी वाइज इट इज लाइक फैमिली ड्रामा है, इसके साथ में काफ़ी इमोशन जुड़े हैं इसमें, और मेट्रोसिटी के सब्जेक्ट है, तो इट वाज लाइक क्वाइट डिफिकल्ट टू लाइक ये सब्जेक्ट करना नहीं करना और किस लेवल पे करना चाहिए, बट ड्यू टू दी गुड टीम एंड गुड सपोर्ट इट इज़ डन इट वेरी बिग, फिल्म बहुत अच्छी बनी है। और हम फिल्म को कहानी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते जहाँ तक सिनॉप्सिस आपको दिए हैं, मैं और पैरे जी ने हम लोग इट वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पैरे जी का कॉन्सेप्ट रहा है, लेकिन हम लोग मिलकर इसको रिमेडिड टू यू फिल्म स्क्रीन प्ले फिल्म इस पे एक डायरेक्शन के हिसाब से हमने काम किया। इट वी डेफिनेटली फील दैट वी वॉन्टेड टू लाइक काफ़ी होप से हमें कि ऑडियंस इसे पसंद करेंगे। आप दोनों ने कहीं ना कहीं हिंदी के राजश्री प्रोडक्शन की याद दिला दी मराठी में, बड़ी पारे। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, जिस तरह से सिनेमा अभी चला गया था वेस्टर्न की तरफ, उनकी कल्चर्स और बहुत सी ऐसी थी लोग भूलते जा रहे थे, तो हमें लगा कि ऐसा करते हैं कि जो हमारे पुराने संस्कार हैं, कल्चर हैं और आज के दोनों को मिक्स किया जाए, और कहीं ना कहीं हमने रिश्ते की अहमियत को समझा और उसे प्रॉपर एक दिशा देने की कोशिश की है। जैसे कहते हैं कि ज़िंदगी के दो अहम पार्ट होते हैं, पति पत्नी, और अगर किसी एक से भूल होती है, गलती होती है, तो दूसरे को कैसे संभालना चाहिए, हमने इस चीज़ को ज़्यादा जोर दिया है। ओके सर, स्टार कास्ट की अगर बात करूँ तो कितने खड़े उतरे हैं आपकी उम्मीदों पर दोनों ने? सर मुझे लगता है कि जब हमने ये पूरी स्क्रिप्ट रेडी कर ली तो कहीं ना कहीं हमें वो शीतल का जो किरदार था इतना स्ट्रांग था, और हमें प्रॉपर एक चेहरा और एक ऐसा चीज़ था कि जो उसे न्याय दे सके, और हमें लगता है कि सिया पांडे से मिलने के बाद में ये हमारी जो है खोज खत्म हुई, और सिया जी ने वाकई इसमें इस कैरेक्टर को जान डाल दिया। And even Ash has done better, and all the star casting, including Afzal Khan and जो भी स्टार का विराज जी, सब अपने बेस्ट काम किए हैं, it looks real good. आपने वो म्यूजिक जो आज रिलीज हुआ है वो बहुत ही डिफरेंट लुक का म्यूजिक मराठी में देखा जा रहा है इस वक्त, और कितनी उम्मीद है क्योंकि 50% जीत आप गए हैं इस वक्त, म्यूजिक बहुत प्यारा है आपके फिल्म का। थैंक यू सो मच, अगर आपने अपना हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं तो इसे कुछ हमें भी यही उम्मीद में है, इट शुड बी ए रियली रॉकिंग सॉन्ग ऑफ द ईयर और समथिंग। सर अगर स्टोरी बोर्ड की बात करूं मैं, जिस तरह से 2 सितंबर को रिलीज पर है फिल्म, तो यूएसपी पॉइंट आप दोनों के हिसाब से क्या होगा, डायरेक्शन, म्यूजिक, स्क्रिप्ट या फिर एक्टर्स? मैं सोचता हूँ कि एवरी टीम हैज डन देयर बेस्ट वर्क, सारे डिपार्टमेंट ने सारे अपनी जो बोलते हैं ना, दे हैव गिवन देयर बेस्ट, लेट्स लीव इट टू द ऑडियंस।
पंजाबी मुंडे से मराठी में काम करवा लिया, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। नहीं वाकई हम लोग ने चैलेंज सही है, लेकिन इसमें यस की जो भूमिका रही है, जिसकी मेहनत रही हॉट वगैरह, बहुत अच्छा किया उन्होंने और प्रॉपर उन्होंने लैंग्वेज को पकड़ लिया उन्होंने, इतनी कोई शक नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तान के ऑडियंस से इस फिल्म के बारे में? बोलेंगे कि हम उनसे प्रार्थना करेंगे दैट काइंडली कम टू द थिएटर्स और थिएटर में वॉच करके जरूर थिएटर में देखिए।